नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ टिप्स में। गर्भवती महिला 3 माह में ये जरूर करें, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बहुत से बदलाव आते हैं। इसीलिए क्या, कब और कैसे, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यदि आपको थकान होती है तो 8 से 10 घंटे तक आराम करें। दूसरा है चक्कर आना। यदि आपको चक्कर आए तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि शुरुआती महीने में ऐसा होता है। तनों में बदलाव। इस समय आप अपने स्तनों को कोमल और संवेदनशील महसूस करेंगे। उबकाई आना। सुबह उठते ही आपको उबकाई और बेचैनी आने लगे तो ये बहुत ही सामान्य है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अत्यधिक पेशाब आना, यह भी बहुत सामान्य प्रक्रिया है, इससे ना घबराएं। अपच, कब्ज, सीने में जलन, सामान्य परेशानियों से आप परेशान रहेंगे। आप कमर दर्द की वजह से बहुत सुस्त महसूस करेंगे। हार्मोन्स में अचानक आए बदलाव के कारण आपका मूड असंतुलन रहेगा। वेजिनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है। आपको इस 3 महीने के दौरान क्या खाना है और कब खाना है, अब मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, पोषण से भरपूर डाइट लें। नंबर 2, अपने प्रतिदिन खाने की कैलोरी 200 से 300 प्रतिशत बढ़ाएं। नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिएं, लगभग 8 से 10 गिलास। नंबर 4, ताजे फल व सब्जियों का सेवन करें। रेशेदार फल और सब्जियों के साथ आपको कब्ज से भी राहत मिलेगी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रेशेदार फल और सब्जियों का सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ आसान सी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आऊँगा अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।